वेलकम टू माय चैनल, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपनी वॉशिंग मशीन में रंगीन कपड़ों को किस तरह से धोएं, जिससे हमारे जो कलर्ड कपड़े हैं उनका कलर भी वैसी का वैसी बना रहे और कपड़े हमारे बिल्कुल चमकदार खुशबूदार बने रहें। तो आप डिटर्जेंट पाउडर भी ले सकते हैं, लिक्विड सोप भी ले सकते हैं। ये वैनिश रखा है दोस्तों, वैनिश चाहें तो आप एक चम्मच वैनिश डाल दें मशीन के पानी में, इससे कपड़ों में जो भी दाग धब्बे होंगे वो बिल्कुल ही निकल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है विनेगर का, आप यदि एक चम्मच विनेगर भी डालते हैं मशीन के पानी में तो आपके जो भी कपड़े हैं वो बिल्कुल ही चमकदार बने रहेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर कपड़ों की खुशबू बनी रहे, कपड़ों में अच्छी सी खुशबू आए, इसके लिए थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल लिया है। एक से दो बूंद एसेंशियल ऑयल डालना है। यदि आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप हेयर कंडीशनर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इन रंगीन कपड़ों के बीच में से जो भी सफ़ेद कपड़े थे उन्हें मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि सभी कलर्ड कपड़े हैं, और अब इन्हें मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। दोस्तों, कई बार रंगीन कपड़े भी मशीन में धुलते धुलते उनका रंग बिल्कुल ही फेड हो जाता है और एक दूसरे पर रंग भी लग जाता है, इसलिए मैंने आपको ये जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ ताकि आपके जो कलर्ड कपड़े हैं उनका रंग वैसी का वैसी बना रहे और कपड़े की चमक भी बनी रहे। तो सबसे पहले तो मैंने मशीन की ये डिटर्जेंट प्लेट है, प्लेनेट है, इसको खोल लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच वॉशिंग पाउडर। आप कोई सा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो लिक्विड सोप भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, लिक्विड डिटर्जेंट भी। और खुशबू के लिए हमें यहाँ पर डालना है एसेंशियल ऑयल, परंतु यदि हमारे पास नहीं है एसेंशियल ऑयल तो कोई बात नहीं, हम इसमें हेयर कंडीशनर भी डाल सकते हैं। एक चम्मच हमें डालना है विनेगर का, विनेगर डालने से कपड़ों में बहुत अच्छी चमक आती है। चाहे आप हाथ से कपड़ा धोएं या वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोएं, आप विनेगर का यूज़ समय समय पर करते रहें, इससे कपड़ों की चमक बनी रहती है। तो दोस्तों, खुशबू के लिए आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ का यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने दो ड्रॉप एसेंशियल ऑयल की डाल दी है ताकि ये जो कपड़े मैं धो रही हूँ इनमें बहुत अच्छी खुशबू आए। तो ये ऑप्शनल है, यदि आप खुशबू कपड़ों में चाहते हैं कि कपड़ों से खुशबू आए तो एसेंशियल ऑयल डालें, नहीं तो फिर हेयर कंडीशनर तो आप ज़रूर डालें, बहुत अच्छी खुशबू आती है और पहनने में भी बड़ा मज़ा आता है उन कपड़ों को। तो बस मैंने सभी रंगीन कपड़े जो इन्हें भी मुझे वॉश करना है सब मशीन में डाल दिया है। अब ये सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो बस मैं इसका टाइम सेट कर दूँगी और इस मशीन को फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप जो विनेगर डाले हैं आप देखिएगा, विनेगर डालने से कपड़ों में इतनी अच्छी चमक आती है, ये इतनी रंगीन चादर आपको दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि इसका रंग निकल सकता है, परंतु फिर भी इस कलर भी फिक्स होता है दोस्तों विनेगर डालने से। तो आप कभी हाथ से भी कोई कपड़ा धोएं तो उसमें भी एक चम्मच विनेगर ज़रूर डालें, और यदि सफ़ेद कपड़े हैं दोस्तों तो विनेगर के साथ आप बेकिंग सोडा भी यूज़ करें, परंतु ये रंगीन कपड़े हैं तो मैंने यहाँ पर सिर्फ विनेगर का यूज़ किया है, एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया है। अब मैंने एक बार इस मशीन के पानी को आपको सिर्फ दिखाने के लिए मशीन को खोला है, वैसे तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, हम इसे खोलते नहीं, पर आपको बता रही हूँ। देखिए, आप बिल्कुल भी चादर का रंग नहीं निकला है, पानी बिल्कुल ही साफ पानी है। तो मैंने इसे कलर भी इसका फिक्स किया था, यदि आप कपड़ों के कलर को फिक्स करना चाहते हैं तो थोड़ी देर नमक के पानी और फिटकरी के पानी में आप कपड़ों को भिगा कर रखें, इससे कपड़ों का रंग फिक्स हो जाता है। मैंने इस चादर के रंग को पहले फिक्स कर लिया था और आज इसे साबुन में वॉश कर रही हूँ। तो बस हमारी जो चादरें हैं, हमारे जो रंगीन कपड़े हैं, वो बस ड्रायर की प्रोसेस पे हैं और जो भी गंदा पानी है वो पूरा ड्रेन हो रहा है और ये हमारे रंगीन कपड़े धुल गए हैं। कपड़ों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल की एक से दो ड्रॉप डाल दी थी, और विनेगर डालने से कपड़ों में बहुत अच्छी चमक बनी रहती, लंबे समय तक वो बिल्कुल नए के जैसे दिखते हैं, बिल्कुल भी अपनी चमक नहीं खोते हैं, बिल्कुल भी फैड नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप डेली के कपड़ों में भी विनेगर डालें तो कपड़े आपके बिल्कुल नए के जैसे चमकदार बने रहेंगे। बस अब मैं इस बेडशीट को और बाकी जो के जो कपड़े हैं उन्हें सूखने रख रही हूँ। जैसे ही कपड़े सूख जाएँ, रंगीन कपड़े, आप उन्हें तुरंत उठा लें, बहुत ज़्यादा सनलाइट में रंगीन कपड़ों को ना रखें, ज़्यादा धूप में रखने से भी कपड़ों का रंग निकल जाता है। तो दोस्तों, ये तरीका था वॉशिंग मशीन में रंगीन कपड़ों को वॉश करने का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को
बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।